हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड की ओर से जून सितंबर क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। अनऑडिटेड स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों फिनेंशियल रिजल्ट आउट हो चुका है, सेकंड क्वार्टर और हाफ ईयर एंडेड का आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर करोड़ में पहले कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करेंगे। इनकम की बात करें 14,478 करोड़ का, जून 24 में 14,110.7 करोड़ का और सितंबर 23 में 12,661 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों के इनकम इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 13,574.8 करोड़ का, जून 24 में 13,056.6 करोड़ का और सितंबर 23 में 11,809 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, लेकिन बहुत ज्यादा हुआ इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है, बट ईयर ऑन ईयर की भी एक्सपेंस इंक्रीज किया है। और गैस कंपनी का एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है स्टॉक इन ट्रेड के परचेज में, इस बार देख सकते हैं बहुत ज्यादा हुआ इसके कारण कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 903 करोड़ का, जून 24 में 1054 करोड़ का, सितंबर 23 में 851.9 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट है 659.4 करोड़ का, जून 24 में 773.6 करोड़ का, सितंबर 23 में 623.3 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। EPS 10.11 रुपीज का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो गाइस, रिजल्ट कंपनी का अगर देखा जाए ना तो इनकम में नो डाउट इंक्रीज किया, बट कंपनी का एक्सपेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ज्यादा हुआ इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। अगर हम स्टैंड अलोन कवर करें, इनकम है 14,096.8 करोड़ का, जून 24 में 13,763.8 करोड़ का, सितंबर 23 में 12,353.3 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 13,143.5 करोड़ का, जून 24 में 12,675 करोड़ का, सितंबर 23 में 11,468.5 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ज्यादा, ईयर ऑन ईयर में भी इंक्रीज किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 953 करोड़ का, जून 24 में 1,088.7 करोड़ का, सितंबर 23 में 884.8 करोड़ का प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ही डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है क्योंकि एक्सपेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ज्यादा हुआ था, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट 710 करोड़ का, जून 24 में 812.4 करोड़ का, सितंबर 23 में 658.5 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। EPS 10.89 रुपीज का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो स्टैंड अलोन हो या कंसोलिडेटेड, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में डाउन है जबकि इनकम इंक्रीज था, लेकिन ईयर ऑन ईयर की इनकम प्रॉफिट दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग जंप हुआ है। रिजल्ट इस कंपनी का आया 2 PM में और 4570 रुपीज पे कंपनी का शेयर कल क्लोज किया था, 0.81% का लॉसेस हुआ था। 5 डे में 1% का लॉस है, 1 मंथ में 12.7% का लॉस है। तो गाइस, कंपनी जैसे सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है और 8 अक्टूबर को 4465 का सपोर्ट लिया था। तो गाइस, अगर मंडे को अगर ये निगेटिव ओपन होता है तो कंपनी 4465 का वापस से सपोर्ट ले सकता है, लेकिन चांसेस की कंपनी यहाँ से रिवर्स कर सकता है क्योंकि रिजल्ट अजीब पेश किया। तो अब देखना ये परफॉर्म कैसा करता है मंडे के दिन, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिएगा। लेकिन गाइस, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो हम लोग वीडियो को ही प्रेजेंट करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।